हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं। आप सभी ने काफ़ी प्रश्न पूछा है विभिन्न प्रकार से, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, इतने कम समय में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है कि इतने कम समय में आपकी पूरी की पूरी जो परीक्षा है प्रथम सेमेस्टर की वो आप अच्छे से पास कर जाएँ। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो इस पूरे वीडियो को देखें, अगर आप पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को सबसे पहला कार्य करना है, आप जाके इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स DLED से संबंधित या शिक्षा से संबंधित आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी, और हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स के बारे में। अभी तक आपकी वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है। खबरों की माने, कॉल सेंटर्स की माने, एग्ज़ाम्स लास्ट वीक ऑफ मई में होगा, जैसे कि अभी अपडेट्स मिल रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन आपके लास्ट वीक ऑफ मई में होगा। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। सबसे पहले DLED फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी तक क्लियर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है इसमें आपको तीन कोर्सेज के एग्ज़ाम्स होंगे। पहला है 501, दूसरा है 502 और तीसरा है 503। हर पेपर जो होगा, जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो 70 नंबर का होगा। 501 का पेपर 70 नंबर का, 502 70, 503 70 नंबर का पेपर होगा। पास करने के लिए आपको 28 नंबर लाने हैं, 40% नंबर आपको लाना है पेपर में पास होने के लिए। यानी अगर आपके 70 में 28 नंबर आ जाते हैं, 28 मार्क्स, तो आप पास कर जाएंगे। पैटर्न के बारे में समझ लें, यहीं पर पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीन सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन ए होगा, दूसरा सेक्शन बी होगा और तीसरा सेक्शन सी होगा। पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहले सेक्शन में आपको 10 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न होगा, उसके चार उत्तर होंगे, उनमें से कोई एक उत्तर सही होगा, उसी को आपको चुनना है। हर सही उत्तर के साथ आपको 2 नंबर मिलेगा। 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपको 20 नंबर इसमें मिल सकते हैं अगर आप सारे के सारे प्रश्न सही तरीके से बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे प्रश्न सही बनाएं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप सभी को स्वयं के MCQ टेस्ट को। जी बिल्कुल, अगर आपने स्वयं के MCQ टेस्ट को देखा है तो आप सभी को सेक्शन ए में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सभी के चैनल पर स्वयं के MCQ टेस्ट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स और वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको स्वयं के सारे MCQs के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप 501, 502 और 503 के सारे क्वेश्चंस याद कर लें। बात करते हैं हमारे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी है 10 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न, जिसमें से आप सभी को 6 प्रश्नों को सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप 6 प्रश्न चुन के जो आपको आते हैं आपको उन्हें बनाना है। हर प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप इन 6 प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा तेज ट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। आप सभी के चैनल तेज ट्यूब पे हिंदी और इंग्लिश में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपलोड होती है। 37 वीडियोज़ इंग्लिश में अपलोड हो चुके हैं और 35 वीडियो आपको हिंदी में अपलोड हुई है। इन सभी वीडियोज़ में कुछ गेस्ट क्वेश्चंस हैं 501, 502 और 503 से संबंधित। सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाएं। जितने भी समय बचे हुए हैं, जितने भी दिन हैं, उन सभी दिनों में इन सभी वीडियोस को एक बार देख लें। एग्ज़ाम में 70 में 60 नंबर आपको ज़रूर आएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोडेड है, और आपकी जो चैनल है ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के लिए है। जो वीडियो आपको इस चैनल पे इंग्लिश में मिलेगा वो हिंदी में भी आपको मिलेगा। जो तीसरा सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो सेक्शन बी है इसमें आपको प्रश्नों को 150 शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। 10 नंबर का ये सेक्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेक्शन है। 10 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है, चुन के जो भी आपको आते हैं उसमें से। और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी करें NIOS DLED के CD ऑडियो से। आप सभी को याद होगा कि NIOS ने सभी राज्यों में एक CD भेजी है। CD में कुछ CD ऑडियोज़ हैं, यहाँ पे आप सभी को मैं दिखा दूँ। आपके चैनल पे CD ऑडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जितने भी CD ऑडियोज़ हैं, लगभग 35 वीडियो, 35
ऑडियोज़ हैं, आप इन सभी ऑडियोज़ को एक बार बस सुनेंगे, ज़्यादा नहीं सुनना है, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल सके। और जो 500 शब्दों में जो प्रश्न लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 नंबर के प्रश्न, आप सभी को आपके चैनल पे ये सारे के सारे ऑडियोज़ मिल जाएंगे, आप जाके इन्हें सुने। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सभी ऑडियोज़ के लिंक मिल जाएगी। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, आप सभी इन तीनों सेक्शंस की तैयारी करें, जाएं हमारे चैनल पे NIOS DLET CD ऑडियो को सुने जो आपके चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ऑडियोज़ अपलोडेड हैं, पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 18, पार्ट 1 से लेके। और आप सभी को मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप सेक्शन बी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को देखें, हिंदी और इंग्लिश में अपलोडेड हैं। और आपको अगर सेक्शन ए की तैयारी करनी है तो आप स्वयं के MCQ टेस्ट को जाके देखें, सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप सभी से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 70 में 70 आप अपने एग्ज़ाम्स में स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मेरी कही हुई बातों पर आप अमल करेंगे। पास करना तो गारंटेड है, अगर आप 10% भी अपना एफर्ट लगाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। सो आई होप आपकी पूरी की पूरी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई। आज सुबह से आपने काफ़ी मेल भेजा है कि सर पास कैसे करेंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर चाहिए पास करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और आप देखना चाहते हो, कोई और टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करें। आपके चैनल पे आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे, उन वीडियोस को देखने के लिए एक चीज़ करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी को इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना होगा जाके। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन पे क्लिक करके, मुफ्त है बिल्कुल, बगल की बेल की बटन को प्रेस कर देंगे। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप ही के कमेंट के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। आप मेल कर सकते हैं हमें, मेल आईडी है asktestube@gmail.com, asktestube@gmail.com। कोई भी जानकारी आप हमें उस मेल पर शेयर कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लॉन्ग लिव इंडिया।